नमस्ते, मेरा नाम स्वरा है। मैं लंबे समय से नॉलेज फॉग के लिए काम कर रही हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है और इसका क्या इतिहास है। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। शायद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वैलेंटाइन किसी दिन का नहीं बल्कि एक व्यक्ति का नाम था। चलिए इसका पूरा इतिहास जानते हैं कि वैलेंटाइन क्यों मनाया जाता है और इसका क्या इतिहास है। वैलेंटाइन किसी दिन का नहीं बल्कि एक पादरी संत का नाम था जो कि रोम में रहा करता था। उस समय रोम पर एक बहुत ही क्रूर और दुष्ट राजा क्लोडियस का शासन था। क्लोडियस एक बहुत ही शक्तिशाली राजा बनना चाहता था, जिसके के लिए वह एक बहुत बड़ी सेना बनाने की तैयारी कर रहा था। उस समय जो रोम का राजा था क्लोडियस, उसके दिमाग एक खतरनाक विचार आया। क्लोडियस के दिमाग में यह विचार आया कि जो सैनिक अकेला है वह विवाहित सैनिक के मुकाबले में ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली सैनिक है। क्लोडियस यह सोच रहा था कि जिस सैनिक के पास उसकी प्रेमिका या पत्नी है वह युद्ध ठीक से नहीं कर सकता, क्योंकि उसे हमेशा उसकी प्रेमिका या पत्नी की याद सताती रहेगी। इस सोच के कारण उस सैनिक का दिन पर दिन शक्ति घटती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि वह अपने प्रेमिका या पत्नी के विरह में शक्तिविहीन हो जाएगा और एक शक्तिविहीन सैनिक का दल कभी कोई युद्ध नहीं जीत सकता। ऐसे में मेरा शक्तिशाली राजा बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। फिर क्लोडियस पूरे रोम में यह घोषणा करवा दिया कि कोई भी सैनिक शादी नहीं करेगा। जो सैनिक शादी करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, यहाँ तक कि फांसी भी। राजा के इस घोषणा से सारे सैनिक में हरकंप मच गई। सबको पता था कि यह फैसला गलत है, लेकिन राजा क्लोडियस का सैनिकों के बीच इतना खौफ था कि किसी भी सैनिक की हिम्मत नहीं हुई उसकी विरोध करने की। तभी इसी बीच एक पादरी आता है जिसे हम हिंदी में संत कहते हैं। उस पादरी का नाम था वैलेंटाइन। वैलेंटाइन को राजा का यह आदेश बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था, इसीलिए वैलेंटाइन ने राजा से चोरी छुपे युवा सैनिकों की शादी करवाने लगा। जो सैनिक अपने प्रेमिका से शादी करना चाहता था तो वह वैलेंटाइन के पास जाता और उससे मदद मांगता। वैलेंटाइन को इन लोगों की शादी करवाने में बहुत ही खुशी मिलता था। इसी तरह वैलेंटाइन ने चोरी छुपे बहुत सारे सैनिकों की विवाह करावा चुका था। लेकिन कहते हैं, न सच्चाई को अधिक समय तक छुपा कर नहीं रखा जा सकता, एक न एक दिन सच सबके सामने आ ही जाता है। क्लोडियस को पता चल गया कि वैलेंटाइन नामक व्यक्ति सैनिकों की शादी करवा रहा है। यह जानते ही क्लोडियस ने वैलेंटाइन को गिरफ्तार करवा के जेल में डाल दिया। वैलेंटाइन जेल में बंद था, तब लोग उससे मिलने आते रहते थे। इसके साथ साथ लोग वैलेंटाइन के लिए गुलाब और गिफ्ट लेकर आते थे। जिस दिन वैलेंटाइन को सजा ए मौत दी गई वह दिन था 14 फरवरी 269 ईदी। वैलेंटाइन मौत को गलने लगाने से पहले प्यार करने वालों के नाम एक कद भी लिखा था। प्यार करने वालों के लिए वैलेंटाइन खुशी से मौत को गले लगा लिया। तब से आज तक वैलेंटाइन के याद में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है। इसे रोम, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों त्योहार की तरह मनाया जाता है। कुछ सालों से यह त्योहार भारत में भी खूब मनाया जा रहा है। वैलेंटाइन के कुर्बानी वाले दिन उसका शोक मनाने के जगह इस दिन को हवस और अपनी ठरकपन वाला दिन बना दिया है।